हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु और मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी की इडली, वो भी बिना सांचे के। तो दोस्तों, ये एक साउथ इंडियन डिश है और ये डिश बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आती है। इस इडली को आप सुबह के नाश्ते में, लंच में, डिनर में कभी भी बनाकर खा सकते हैं, जब भी आपका मन करे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में छोटी सी बेल है उसे भी क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये मज़ेदार इडली हमने बनाई कैसे है। तो यहाँ इडली बनाने के लिए हमने एक कटोरी सूजी ली है और एक ही कटोरी दही ली है। सूजी आप इसमें कोई भी ले सकते हैं, बारीक सूजी भी ले सकते हैं, मोटी सूजी भी ले सकते हैं। तो यहाँ लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, इसमें सबसे पहले डालेंगे सूजी और साथ साथ दही डाल देंगे इसमें हम, और आधी छोटी चम्मच इसमें नमक डालेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हम। तो दोस्तों, इडली बनाने के लिए सूजी और दही आपने बराबर बराबर मात्रा में लेनी है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको हम। तो दोस्तों, आज ये इडली हम बिना सांचे के बनाएंगे और आप देखना कि बिना सांचे की इडली कितनी अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसको ढककर रख देंगे सूजी को आधे घंटे के लिए, जिससे कि अच्छे से फूल जाए। आधे घंटे बाद चेक करेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है मीडियम साइज़ की और दो गिलास इसमें पानी डाल दिया हमने, और गैस का फ्लेम यहाँ लो है। तो यहाँ हमें इडली को स्टीम करना है, इसलिए हम इसमें कढ़ाई में पानी डालकर गर्म करेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक जालीदार छलनी ली है, जो कि मेरी कढ़ाई पर अच्छे से सेट हो गई है। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है और छलनी आपकी अच्छे से सेट नहीं हो रही, तो आप कढ़ाई के अंदर या तो एक कटोरी रख लें इस तरह से सीधी कर या उल्टी कर, नहीं तो एक स्टैंड रख लें। लेकिन मैंने यहाँ कुछ नहीं रखा है, मैं कढ़ाई के ऊपर ही अच्छे से छलनी सेट कर दूँगी, क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो हमने छलनी रख दी है कढ़ाई के ऊपर, इसको ढक दिया है लो फ्लेम पर, जिससे कि हमारा पानी अच्छे से गर्म हो जाए इडली स्टीम करने के लिए। हम सूजी चेक कर लेते हैं आधे घंटे बाद। सूजी हमारी अच्छे से देखिए फूल गई है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो पानी दोस्तों इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें मिक्स करना है अच्छे से। एक स्मूथ बैटर हमें बनाकर इसका तैयार करना है इडली का। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। तो दोस्तों, यहाँ मैंने इडली बनाने के लिए लिया है यहाँ पर इनो फूड सॉल्ट, एक सैशे लिया है मैंने यहाँ पर। अगर आपके पास इनो फूड सॉल्ट नहीं है तो आप आधी छोटी चम्मच इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ सारा सैशे मैं डाल रही हूँ बैटर में, और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि अच्छे से घुल जाए। तो जब आपने इडली बनानी हो, उसे थोड़ी देर पहले ही आप इनो फूड सॉल्ट डालें या बेकिंग सोडा डालें, डालकर हमें पहले नहीं रखना, साथ साथ ही हमें डालना होता है इडली बनाने से थोड़ी देर पहले ही। तो यहाँ इडली बनाने के लिए दोस्तों मैंने इस तरह की चौरस कटोरियाँ ली हैं। अगर आपके पास गोल कटोरी हैं तो आप गोल कटोरी भी ले सकते हैं, छोटी कटोरी। मैंने इसमें घी डाल दिया, चारों तरफ इसके कटोरी के लगा रही हूँ मैं। आप इसमें तेल डालकर भी चारों तरफ से लगा सकते हैं कटोरियों के। तो ये छोटी छोटी कटोरियाँ हैं मेरे पास, चौरस कटोरियाँ हैं ये। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। बैटर हमें दोस्तों ज़्यादा नहीं डालना, दो ढाई चम्मच हमें एक कटोरी में बैटर डालना है इडली बनाने के लिए, क्योंकि सूजी जब स्टीम होगी तो फूलेगी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है हमें। तो इस तरह से हम सारी कटोरियों में बैटर डाल देंगे, देखिए, और इसको टैप कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो छलनी के ऊपर हम सारी कटोरियाँ सेट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने सारी कटोरियाँ रख ली, पांच कटोरी थी, पांचों की पांचों कटोरी मैंने छलनी के ऊपर अच्छे से सेट हो गई हैं। अब इसको ढक देंगे हम 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद हम इडली को चेक करेंगे। तो यहाँ गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। तो देखिए, 20 मिनट बाद हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एक टूथपिक, हम टूथपिक से चेक करेंगे इडली हमारी अच्छे से पकी है या नहीं। तो इसमें डालकर देखेंगे इडली के अंदर हम। तो देखिए, टूथपिक है हमारी क्लीन निकल रही है, इसका मतलब इडली हमारी अच्छे से पक गई है। तो यहाँ मुझे इडली बनाने में 20 मिनट लगे हैं, मतलब इसको स्टीम करने में 20 मिनट लगे हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो अब इसको हम कटोरियों को निकाल देंगे। तो सावधानी से निकालें, क्योंकि कटोरियाँ गर्म है, या तो एक कपड़ा ले ले या इस तरह से कोई एक स्टैंड ले ले निकालने के लिए। मैं एक थोड़ा छोटा सा स्टैंड ले रही हूँ, उससे निकाल रही हूँ कटोरियों को, हाथों से बिल्कुल ना छूएं, क्योंकि ये गर्म है। इन कटोरियों के ठंडे होने के बाद ही इनको हम डीमोल्ड करेंगे, इससे पहले इनको नहीं निकालना। तो सारी कटोरियाँ निकाल देते हैं हम। तो देखिए, कटोरियाँ हमारी ठंडी हो गई है। एक नाइफ़ की मदद से हम चारों तरफ से पहले इस तरह से निकाल लेंगे, लेकिन मुझे नाइफ़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बाद में मैंने इसी तरह से सारी कटोरी में से इडली निकाल ली है। ये देखिए कितनी अच्छी गोल
सॉफ्ट इडली हमारी बनकर तैयार हुई है, वो भी बिना सांचे के, सिर्फ कटोरी में। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ। कोई कह देगा ये हमने इडली कटोरी में बनाई है, ऐसा लग रहा है कि सांचे में बनाई है हमने, और दबाकर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो इस तरह से हम सारी इडली निकाल लेंगे और एक प्लेट में लगा लेंगे, देखिए। और इसके ऊपर से मैंने सांभर जो मसाला होता है वो डाल दिया, थोड़ा सा इडली के, और धनिया पत्ता डाल दिया है। और यहाँ पीनट की चटनी के साथ मैं सर्व कर रही हूँ, आप सांभर के साथ भी इस इडली को खा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितनी सॉफ्ट है, मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ इडली। अंदर से देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है इसकी इडली की, और कितनी अच्छे से सॉफ्ट बनी है ये इडली। तो आ गया ना दोस्तों आप सबके मुँह में पानी। तो जल्दी से जाइए किचन में और सूजी की इस तरह से इडली बनाइए, वहाँ पे आपको सांचे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आपको ये सूजी की इडली की रेसिपी कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करना, ये सबको बहुत पसंद आएगी। इस इडली को आप सुबह के नाश्ते में, लंच में, डिनर में कभी भी बनाकर खा सकते हैं, जब भी आपका मन करे। बच्चों की, बड़ों की, सबकी फेवरेट है ये साउथ इंडियन डिश ये। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो मुझे फीडबैक ज़रूर देना। मिलती हूँ दोस्तों आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।